अमित नीचे जाके खड़ा है रास्ता क्रॉस करने के लिए, वो अभी जा रहे हैं ड्यूटी, अभी सुबह का 8:30 बज रहे हैं, रास्ता क्रॉस करेगा अभी। किस तरह से रास्ता क्रॉस करते हैं देखो। कुछ भूल गया है उस, वो वॉच भूल गया तो इसलिए कॉल करके मुझे बोल रहा है, वॉच लेके जाने के लिए बोल रहा है। देखो नियाजबो, चलो अब मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, जस्ट अभी उठी हूँ नींद से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज है सैटरडे तो इसीलिए सुमित जल्दी से जल्दी रेडी होकर ऑफिस चले गए हैं। अभी सुबह का 8:30 बज रहे हैं, मैं जस्ट अभी उठी हूँ, उठ के देखो ब्रश लेके खड़ी हूँ क्योंकि मैंने अभी तक टूथब्रश भी नहीं किया। आप सबसे बात करने के लिए कैमरा हाथ में ले लिया है, तो चलो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर मुझे भी निकलना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है और रश रहता है होटल में। तो चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहो, ठीक है? चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाय। 10:30 बज रहे हैं फ्रेंड, होटल आ चुकी हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए मैंने सेफ को बोल दिया है डोसा बनाने के लिए, तो चलिए मैं फटाफट आपको डोसा रेसिपी दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। डोसा मुझे बहुत पसंद है, साउथ इंडियन मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट मिल जाए तो वाह क्या बात है। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट का कुछ लुक आपके साथ शेयर करती हूँ, आई होप अच्छा लगेगा। हाँ प्लेन दे, ये देखिए फ्रेंड ये हमारा ये होटल का सेफ है, मास्टर सेफ डोसा स्पेशल। सच में बोल रहे क्या? हाँ तो ऐसे कुछ भी अचानक बोलो, मैं एडिट कर दूंगी, एडिट करके वॉइस काट कर दूंगी। हाँ डोसा का बटर
ऐसा। बन रहा है उत्तपा, ये देखो। सुमित भी आके झांक रहा है मैं क्या कर रही हूँ देखने के लिए आ गया किचन में। फ्रेंड थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो रहा है पिक्चर का, प्लीज डोंट माइंड। ये रहा मेरा मसाला डोसा, मैं दो तो नहीं खा पाऊंगी, एक खाऊंगी, एक सुमित के लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड डोसा का मैंने हालत क्या कर दिया, मर्डर कर दिया डोसा को पूरा। फ्रेंड अभी सुबह के 11:20 इधर होटल में बूफे लगते हैं खाने के लिए, चाय कॉफ़ी में बहुत कुछ होता है। कभी फिर आप फुर्सत में आपको मिलेंगे तो दिखाऊंगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, अभी दोपहर के 2:10 हो चुका है। जस्ट अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ इसीलिए कैमरा हाथ में लेकर आप सबसे बात करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं बैठी हूँ लॉबी सेक्शन में, ये देखो लॉबी में बैठी हूँ। थोड़ी देर के बाद लंच करने जाऊंगी, थोड़ी देर के बाद मतलब हो जाएगा 3 बज जाएगा लंच करते बस। सब मैं वीडियो करती हूँ तो सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं बैक साइड के कैमरे के, तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कैमरे भी हाथ में उठा के वीडियो शूट करने में भी दिक्कत होता है मुझे। बस चलो मैं मिलती हूँ फिर से आपको बाद में जब मैं फिर से फ्री हो जाऊँ। अभी मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ क्या लंच पे करना है इसलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड अभी मैं उससे मिल रही हूँ, शाम के 6:05 बाकी है, इस टाइम पर मैं मिल रही हूँ। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ हाउसकीपिंग स्टोर में आई हूँ, थोड़ा सा काम था वो काम करने के लिए। और मेरे पीछे सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, देखिए सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लगता है। इस तरफ से देखने का रास्ता है एकदम, आई होप मुझे आप देख नहीं पा रहे हो। और मैं स्टोर में हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा है, इसको अभी सॉर्ट आउट करना बाकी है, करेंगे। बस अभी जाऊंगी नीचे, अभी हाउसकीपिंग का कुछ काम था वो सब मैंने निपटा लिया है, जो पेपर वर्क होता है ना वही सब निपटा लिया है। अभी जाऊंगी नीचे स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने के लिए, उसके बाद शाम के इवनिंग के टाइम पे इधर थोड़ा सा गेट टुगेदर, यानी कि जो रूम गेस्ट होते हैं ना इन हाउस, उनके लिए कुछ इवनिंग के टाइम पे कुछ डीजे पार्टी रखा हुआ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, बस वही सब मैं अटेंड करूंगी। मुझे अटेंड करने का परमिशन है तो मैं जाकर थोड़ा सा वो मन करके एंजॉय करूंगी। बस ऐसे करके मेरे तो ओवर टाइम नहीं होता है, मतलब 6:30 मेरा ऑफ है, लेकिन 6:30 मैं घर जा नहीं पाती हूँ। एज यूजुअल मेरे जाते जाते 8 बज जाता है, कभी कभी 8:30 बज जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आने का फिक्स टाइम है लेकिन जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। मिलती आपसे थोड़ी देर के बाद क्योंकि कॉल आ रहे हैं, बाय। फ्रेंड जैसे कि आपको बोला मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी पीऊंगी, कॉफी का ऑर्डर आ गया है। और मैं अभी 4th फ्लोर में हूँ तो इधर से मैं ग्राउंड में जा रही हूँ, लिफ्ट मैंने बुला लिया है, यह लिफ्ट। अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहे हो शायद, बस नीचे डीजे चल रहा है तो इसलिए सॉन्ग का आवाज आ सकता है। वीडियो मुझे म्यूट करना पड़ेगा नहीं तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो बस वेट कर रही हूँ लिफ्ट आ जाए, चलते हैं फिर नीचे। चलिए मेरे साथ आप भी चलिए लिफ्ट में, ग्राउंड दबाती हूँ क्योंकि कॉफी आ गया है, कॉफी जाके पीऊंगी स्ट्रॉन्ग कॉफी। अभी 6 ही बजाए, देखिए आप देख पा रहे हो 6 बजाए, लेकिन अभी धूप है बाहर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जल्दी सनसेट होता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, दिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पहले नाइट पसंद था अभी दिन मुझे पसंद है। तो चले ऑफिस रूम में जाती हूँ, कॉफी पीती हूँ स्ट्रॉन्ग वाला, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय। फ्रेंड ये देखियो कॉफी रख दिया। फ्रेंड जस्ट अभी सर के साथ कॉफी पिया, जैसे कि देख सकते हो दोनों केटल रखा हुआ है, सर के साथ कॉफी पिया। अभी 6:10 हो चुका है, सुमित को मैंने कॉल किया था उसने फोन पिकअप नहीं किया, तो उसका कॉफी कौन पिएगा पता नहीं, ठंडा हो गया शायद। तो फ्रेंड मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मीटिंग है मेरा,
सर के साथ, तो वो मीटिंग अटेंड करके फिर देखती हूँ, फ्री होती हूँ तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो कल मिलूँगी, देखती हूँ टाइम मिलते हैं तो मैं आपसे बात करूँगी। हाय फ्रेंड, मैं आ गई हूँ रूम पे। बस डीजे जैसे पार्टी अपने देखा, मैं थोड़ा सा सेटअप वगैरह ठीक कर रही थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 8:30, मैं अभी घर आई हूँ। अभी जस्ट ड्रेस चेंज किया है, चेंज करके उतना फ्रेश भी नहीं हो पाई हूँ, ड्रेस चेंज करके अभी आपसे बात करने के लिए कैमरा हाथ में लिया। तो बोलिए फ्रेंड, अभी तक ब्लॉग कैसा लगा? और ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, कौन सी चीज आपको अच्छा लगा और क्या देखना चाहते हो मेरे ब्लॉग में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तब जाके मुझे पता चलेगा। अगर आप लोग बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। और क्या कंटेंट लेके आ सकती हूँ आप सबके लिए, कुछ क्या बना सकती हूँ आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं फिर वो करने के लिए। सॉरी, मेरे रूम थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, आई नो, बट क्या करूं, जो रूम मिला उसी रूम में रहती हूँ मैं, ऐसे रूम में कभी नहीं रही लाइफ में। ये भी एक एक्सपीरियंस है जो मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, समय के साथ साथ हर चीज चेंज होते रह रहा है मेरे लाइफ में, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो भी हुआ है, जो एक्सेप्ट भी नहीं किया था वो भी मैंने किया है, ऐसा कुछ जो आपको आगे मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे दियन करती हूँ। फ्रेंड, कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मेरा पूरा दिन आज आपके साथ मैंने बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मेरे इस तरह से लाइफ का कुछ पार्ट शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताना। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय, नहीं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।